हाय एवरीवन, प्रैक्टिस सेट कर रहे थे हम लोग इस चैप्टर से और लास्ट लेक्चर तक क्वेश्चन नंबर 51 तक करा था हमने। आगे के क्वेश्चंस को करें। क्वेश्चन नंबर 52, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट गिव वन ब्रोमो प्रोपेन इन अ सिंगल स्टेप। हमें चाहिए वन ब्रोमो प्रोपेन और वो भी सिंगल स्टेप में। ठीक, उसके लिए चार कंपाउंड दिए हुए हैं, प्रोपेन, बी प्रोपीन, सी प्रोपेन वनॉल और डी प्रोपाइल एमीन। प्रोपाइल एमीन, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट गिव लिखा हुआ है, कैन नॉट गिव ऐसा पूछा है। एक और क्वेश्चन नंबर 53 करें। कह रहा है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, कंपाउंड दिया हुआ है 2,4,6 ट्राई नाइट्रो क्लोरो बेंजीन। इसे कह रहा है कि वाटर के साथ वार्म करेंगे, हम हीट करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। ऑप्शन दिया हुआ है क्लोरोबेंजीन बनेगा, बी में पिक्रिक एसिड बनेगा, सी में फिनॉल बनेगा और कि कोई कंपाउंड नहीं बनेगा, नो कंपाउंड ऐसा। पहले तो इसको देखो, ये वन ब्रोमो प्रोपेन बनाने का क्या है, प्रोपेन से बनेगा क्या, ये प्रोपेन से। तो प्रोपेन का यदि डायरेक्ट ब्रोमिनेशन करवाएं हम लोग तब तो बातें बन सकती हैं, दोनों बनेगा, वन ब्रोमो प्रोपेन भी बनेगा और टू ब्रोमो प्रोपेन भी बनेगा, क्योंकि दो तरह के कार्बन है, वन डिग्री टू डिग्री वन डिग्री, हालांकि माइनर बनेगा लेकिन बनेगा तो जरूर, एक स्टेप में हो जा रहा है काम। प्रोपीन ऐसा, प्रोपीन से कैसे बनेगा भाई, तो बन सकता है HBr और परऑक्साइड यदि लगा दें, एंटी मार्कोवनिकॉप्स, तो वन ब्रोमो प्रोपेन तो डेफिनेटली बनेगा ऐसा। नेक्स्ट है प्रोपेन वन और, यहाँ से भी बनेगा क्या, बनेगा, HBr से रिएक्शन करवा देंगे यदि हम लोग कंसनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, तो डायरेक्टली एक स्टेप का रिएक्शन है, यहाँ भी बन जाएगा CH3 CH2 CH2 भी है, तो अभी तीनों से बन रहा मतलब इसी से नहीं बनेगा, तो बनेगा कैसे इससे उस चीज़ को हम लोग देखें। CH3 CH2 CH2 NH2 ऐसा, एन प्रोपाइल एमीन दिया हुआ है, मतलब कि ऐसा चीज़, हालांकि एन लिखा हुआ नहीं है लेकिन प्रोपाइल एमीन में यही लेकर के चलेंगे हम लोग। इससे वन ब्रोमो प्रोपेन बनाना हो तो बनेगा कैसे, एक स्टेप नहीं बनेगा तो ठीक है क्योंकि बाकी तीनों बन ही रहा है तो ये नहीं बनेगा, कैसे बनेगा एक्चुअल में बनेगा कैसे, तो आप इसको करो क्या, हालांकि वो रिएक्शन अभी तक हम इस चैप्टर में पढ़े नहीं हैं लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। इसे हम नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करवाते हैं, ऑब्वियसली नाइट्रस एसिड अवेलेबल होता नहीं है तो सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ, ठीक है। थोड़ा सा भी इसको यदि हीट करें या रूम टेम्परेचर का भी बात रहे तो फर्स्ट ऑफ ऑल या डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट होता है और उसके बाद ये N2+Cl- और तुरंत या हाइड्रोलाइज करके अल्कोहल में बदल जाएगा, CH3CH2CH2O। मतलब 1 डिग्री एमीन का रिएक्शन नाइट्रस एसिड से करवाने पे ना प्रोडक्ट के रूप में तुम्हें अल्कोहल मिलेगा, अभी अल्कोहल बन गया, इसके बाद फिर तुम यहाँ लगाओगे ना जी HBr और H2SO4 तब जा करके ब्रोमो, तीन स्टेप हो गए, 1, 2, 3 तब बना जा करके, तो इसमें मोर देन वन स्टेप लग रहा है, बाकी सारे सिंगल स्टेप में ही दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा आंसर कि कौन एक स्टेप में नहीं देगा, तो दिस वन। नेक्स्ट है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। अभी 2,4,6 ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन का क्या हाल है,
हालांकि थोड़ा अंदाज़ा तो लग ही गया होगा कि क्या बनने वाला है, क्लोरीन 2,4,6 ट्राइनाइट। तो ऐसा अभी पिछला लेक्चर में हम लोग एक क्वेश्चन किए हुए हैं कि जब हेलोबेंजीन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ जाते हैं ऑर्थो और पारा पे, तब जा करके इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से हो पाता है। इतना आसानी से कि इसको वाटर के साथ भी सिंपली हीट करोगे ना तो ये Cl हट करके यहाँ से वो ही जुड़ेगा और ये ऐसा कंपाउंड बनेगा OH NO2। और इस कंपाउंड का नाम है पिक्रिक एसिड। सो द करेक्ट आंसर इज B, पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। नहीं होगा रिएक्शन, ऐसा नहीं है, तीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लिखे हुए हैं, क्योंकि ऑप्शन तो ऐसा भी है ना कि डी नंबर की कोई कंपाउंड ही नहीं बनेगा। तो ऐसा तब होता जब केवल क्लोरोबेंजीन का हाइड्रोलाइसिस करते हैं, केवल क्लोरोबेंजीन का डायरेक्ट हाइड्रोलाइसिस होता नहीं है सिंपल कंडीशन में, वो भी प्योर वाटर से तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। बेसिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं काफ़ी ड्रास्टिक कंडीशन ले करके, तब होता है। लेकिन चूंकि यहाँ एरोमेटिक सिस्टम में तीन NO2 लगे हुए हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है एक्टिवेट करते हैं बेंजीन को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, तो यहाँ से आसानी से प्रोडक्ट बनेगा पिक्रिक एसिड। आगे का क्वेश्चन, चार पेयर लिखा हुआ है, एक तरफ रिएक्टेंट्स लिखे हुए हैं, दूसरे तरफ उनके द्वारा बने गए प्रोडक्ट्स। वन में रिएक्टेंट है हेलो अल्केन और एक्वस सिल्वर हाइड्रोक्साइड, प्रोडक्ट बना दिया है RH। सेकेंड में है हेलो अल्केन और अल्कोहलिक AgCN, प्रोडक्ट में NC बना दिया है। तीसरा में है अल्काइल हेलाइड, KCN है अल्कोहलिक, तो यहाँ भी NC बना दिया है। और फोर में RX सोडियम है ईथर मीडियम में और यहाँ ये बना दिया। पूछ रहा है इसमें करेक्टली मैच्ड कौन कौन है, मैंने करेक्ट कौन है करेक्टली मैच्ड, कि क्या इससे बनेगा, इससे बनेगा, ऐसे करके। तो इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं वो ए में है केवल 1, बी में है 1 और 2, सी में है 2, 3 और डी में है 2, 4। देखते हैं हम लोग। उसके बाद फिर एक सिंपल सा क्वेश्चन है 55 में, पूछ रहा है SN1 रिएक्शन फास्टेस्ट किस में होगा। ऑप्शन दिए हुए हैं CH3 का होल 3 Br, बी में CH3 CH2 Br, सी में CH3 का होल 2 CHBr और डी में है CH3 CH C2H5 Br। तो ये तो आसानी क्वेश्चन है, डायरेक्ट यदि चैप्टर किए हुए हैं तो कोई दिक्कत है नहीं। हेलो अल्केन का रिएक्शन एक्वस सिल्वर हाइड्रोक्साइड से होता है, तो या तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ना, हेलोजन हटता है वो ये जाकर के जुड़ता है, अल्कोहल बनता है, लेकिन यहाँ अल्केन बना दिया है तो ये ठीक नहीं किया है, ठीक नहीं किया है। इसमें हेलो अल्केन का रिएक्शन अल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड से, तो यहाँ NC जुटता है, ये बिल्कुल सही है, ऐसा होता है। KCN से NC नहीं बनता भाई, इसमें तो साइनाइड बनता है ना, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है चैप्टर पर, इसमें भी देखे थे, ये नहीं बनेगा। ये हेलो अल्केन सोडियम मेटल ईथर मीडियम वुड्स रिएक्शन, तो ये दो अल्काइल आपस में जुड़ करके हायर अल्केन बनाते हैं, ये भी सही है। तो 2 और 4 करेक्टली मैच्ड है, ये दोनों बकवास का है, 2 और 4 डी नंबर हो जाएगा। SN1 रिएक्शन फास्टेस्ट किस में होगा, डिग्री देख लो, यहाँ कार्बन छुटा हुआ है, ये 3 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, 3 डिग्री के लिए फास्टेस्ट होता है ए नंबर।
अरे कुछ क्वेश्चन बहुत सिंपल भी तो रहते ही कभी कभी, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चंस यही रहेंगे। हालांकि इन दोनों क्वेश्चन में कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट छुपा हुआ नहीं था। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 56, 57, ये सब बड़े मज़ेदार क्वेश्चन हैं। फिफ्टी सिक्स में क्या है कि प्लस टू क्लोरो टू फिनाइल इथेन, एक कंपाउंड दे दिया है। कौन सा कंपाउंड दिया हुआ है? प्लस टू क्लोरो टू फिनाइल इथेन, ठीक है, इन टॉलविन, इन टॉलविन रेसिमाइजेज, रेसिमाइजेज स्लोली इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ SbCl5 ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ए कार्बेन आयन, बी कार्बीन, सी फ्री रेडिकल एंड डी कार्बोकेटायन। उसके बाद एक 57 नंबर में आ जाओ, एक कंपाउंड दिया हुआ है ऐसा, इस तरह का एक कंपाउंड है, यहाँ डी, यहाँ भी डी, यहाँ एफ, और कह रहा है कि इसका रिएक्शन हमें करवाना है सोडामाइड के साथ इन लिक्विड अमोनिया। तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे? चार ऑप्शंस दिया है इसने, एच एच एन एच टू, बी नंबर में डी डी एन एच टू, सी में एच एच एफ, और डी में ऐसा एच डी एन एच टू प्लस ऐसा डी एच एन एच टू। क्वेश्चन बड़ा मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ पूछा गया उसको इस तरह से ताकि मुश्किल लगे देखने से। बस क्वेश्चन पूछा गया इस तरह से ताकि मुश्किल लगे देखने में, और कोई बात नहीं है। लास्ट वाला, अब जरा इसको देखो, क्वेश्चन नंबर 56, जो कंपाउंड दिया है पहले उसको तो लिखो, टू क्लोरो टू फिनाइल इथेन, टू क्लोरो टू फिनाइल इथेन मतलब ऐसा है क्या? इसी में एक क्लोरीन है, इसी में एक, तो टू क्लोरो टू फिनाइल इथेन कैसे बनेगा भाई? हैं, नंबरिंग तो यहीं से जाएगा, टू क्लोरो टू फिनाइल इथेन तो बनना ही नहीं चाहिए। वन क्लोरो वन फिनाइल इथेन हो, टू क्लोरो टू फिनाइल इथेन कैसे बनेगा? या फिर टू फिनाइल वन क्लोरो इथेन ऐसे बन सकता था, जहाँ भी रहेगा तो वन ही रहेगा ना। खैर जो भी है, सबसे पहला बात इसमें यह है काइरल सेंटर, ठीक, अलग अलग है, हाइड्रोजन है, फिनाइल है, CH3 है, क्लोरीन है। इसमें लिया गया है टॉलविन तो सॉल्वेंट है, कह रहा है इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ SbCl5 हम ऐड करेंगे। व्हाट इज SbCl5? दिस वन इज लेविस एसिड,
लेविस एसिड कैटलिस्ट। और लेविस एसिड कैटलिस्ट करता क्या है, कार्बोग्राइन बनने में बड़ा मदद करता है। ये करेगा क्या कि क्लोरीन को यहाँ से ले लेगा, और जब क्लोरीन को यहाँ से ले लेगा तो एक कार्बोकेटायन बनेगा, यहाँ हम देख पा रहे हैं, जिसमें एक एच है, एक बेंजीन है और एक सी एच थ्री है। अब ये कार्बोकेटायन बनेगा तो हम जानते हैं कि या तो प्लैनर होता है, ये तो प्लैनर होता है। अब इसमें तुम कोई भी न्यूक्लियोफाइल से अटैक करवाओगे तो SN1 रिएक्शन होगा ना, SN1 रिएक्शन हो जाएगा। कार्बोकेटायन बन रहा है तो कार्बोकेटायन तो SN1 में बनता है। अब न्यूक्लियोफाइल टॉप से भी अटैक कर सकता है, बॉटम से भी अटैक कर सकता है, और इस केस में दो प्रोडक्ट बनते हैं, रेसिनिक मिक्सचर। तो इधर लिखा हुआ था कि इस कंपाउंड को टॉलविन में रेसिमाइज करता है इसके प्रेजेंस में, तो क्या बनने के चलते ऐसा होता है, तो कार्बन आयन कहाँ से बनने लगा, कार्बिन भी नहीं बनेगा, फ्री रेडिकल भी नहीं बना, कार्बोकेटायन बना, और कार्बोकेटायन बनने से रेसिमाइजेशन होता है। इतना याद रखना कि रेसिमाइजेशन वाला बात है, कार्बोकेटायन ही बनेगा, क्योंकि यही प्लैनर सिस्टम का है, इसी में ऑर्बिटल्स खाली होता है, जिसके वजह से वह न्यूक्लियोफाइल अपने इच्छा अनुसार किसी भी डायरेक्शन किसी भी प्लेन से अटैक कर पाता है, और फिर वहाँ से दो प्रोडक्ट एक दूसरे के अपोजिट बनते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद वाला क्वेश्चन में देखो तो क्या कहानी है इसका, क्या कहानी है इसमें, ज़रा उस चीज़ को हम देखें। बड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है, 57। ध्यान से देखो, एक कंपाउंड जो दिया हुआ है ना, ये कुछ ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, डी यहाँ भी जी और यहाँ फ्लोरीन ऐसा, और इसमें सोडामाइड दिया हुआ है एलोंग विथ लिक्विड अमोनिया। ठीक, अब नेचर समझो, सोडामाइड हम जानते हैं बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस है, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। बेंजीन में यहाँ फ्लोरीन लगा हुआ है जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है माइनस आई के वजह से, हालांकि आर के वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ क्या होगा कि यह जो स्ट्रॉन्ग बेस है या प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता है, जो डी लिखा हुआ है ना, डी इज द ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यह बेस क्या करेगा, इस आइसोटोप को यहाँ से हटाएगा, बेंजाइन बनेगा बीच में, मतलब ऐसा, पहले तो इसके इलेक्ट्रॉन को लेगा यहाँ इस तरीके से, कार्बन आयन बनेगा बीच में ऐसा, दो इलेक्ट्रॉन माइनस फ्लोरीन और यहाँ डी, देन ये शिफ्ट करके यहाँ से फ्लोरीन को बाहर होना होगा, बेंजाइन इंटरमीडिएट पढ़े हैं ऐसा रिएक्शन हम लोग, यहाँ डी जुड़ा हुआ है, दिस वन इज बेंजाइन इंटरमीडिएट। अब जब बेंजाइन बना, ध्यान से देखोगे ऐसा, तो अब जो इसमें NH2- है वह खुद कहीं ना कहीं न्यूक्लियोफाइल के जैसा भी काम करेगा, और यदि यह न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम करेगा तो इसके चांसेस दोनों जगह जुड़ने के हैं, ये यहाँ भी जुड़ सकता है और ये यहाँ भी जुड़ सकता है। यदि NH2 यहाँ जुड़े, क्योंकि बेंजीन नेक्ड है, इसमें वैसा कोई ग्रुप डोनेटिंग भी ड्राइंग लगा हुआ है नहीं, तो कहीं भी जुड़ सकता है। ये देखो, यदि हम इसको यहाँ जोड़ दें NH2 को, यहाँ ड्यूटेरियम जुड़ा हुआ है, तो जुड़ने का मतलब ऐसे कि यहाँ शिफ्ट करेगा यहाँ जुड़ेगा, तो इस पर अब आ जाएगा माइनस ऐसा, और यदि यहाँ जुड़ता है तो फिर प्रोडक्ट ऐसा बनेगा, यहाँ ड्यूटेरियम है, ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट करके माइनस यहाँ आ जाएगा और यहाँ NH2। अभी जो दोनों माइनस वाले हैं ये क्या करेंगे, H+ एब्स्ट्रैक्ट करेंगे सॉल्वेंट से, NH3 है ना, लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया का प्रोटोन लेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन थोड़ा एसिडिक है, डेल प्लस डेल माइनस, यहाँ से NH2 बाहर हो जाएगा और ये H+ को या तो यहाँ जुड़ेगा या तो यहाँ, तो यदि H+ यहाँ जुड़ता है तो एक प्रोडक्ट ऐसा बनेगा, और यदि यहाँ जुड़ता है तो एक प्रोडक्ट ऐसा बनेगा, दो दो बन रहे हैं, तो देखो कौन सा सही आंसर है, आई थिंक डी ऑप्शन होगा ना इसका, ये वाला। ये तो था दमदार क्वेश्चन, बेंजाइन इंटरमीडिएट के थ्रू डी दे करके सबसे पहले फंसा दिया, नहीं थोड़ा सा यदि कंसेप्ट बना करके रखोगे तो डी में ही उलझ जाओगे कि आखिर डी लिखा क्या है,
तो डी ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन के जगह ड्यूटेरियम लिया है इन्होंने। तो हम पढ़े हैं ना कि जो आइसोटोप्स होते हैं उनका केमिकल प्रॉपर्टी एकदम सेम होता है, जो बिहेवियर हाइड्रोजन का है वही बिहेवियर ड्यूटेरियम का होगा यहाँ इस रिएक्शन में। फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होता है आइसोटोप का, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी तो बिल्कुल सेम होता है, ये हम पढ़े हुए हैं, केमिकली वे डिफर नहीं करेंगे। तो हाइड्रोजन में जो था इलेक्ट्रॉन लेकर के हाइड्रोजन बाहर होता था एच प्लस ग्रुप में, फिर जा करके जुड़ भी सकता था, वही सारा चीज़ यहाँ होने वाला है बस। तो ये तो काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन था ना, 57 हाई लेवल क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे कुछ क्वेश्चंस कर लें। फिफ्टी सेवन के बाद 58, 59 इन सबों को देखें। कह रहा है इन द रिप्लेसमेंट रिएक्शन, एक रिएक्शन दिया हुआ है ऐसा सी के साथ आई है एम एफ, और यहाँ सी के साथ एफ जुड़ रहा है एम आई। कह रहा है कि द रिएक्शन विल बी मोस्ट फेवरेबल इफ एम ईच, ऑप्शन है सोडियम पोटेशियम रिबीडियम लिथियम। बिल्कुल नए अंदाज का क्वेश्चन है, 59 नंबर। चार कंपाउंड दिए हैं, पूछ रहा ऑप्टिकली एक्टिव कौन है, ऑप्टिकली एक्टिव कौन है। चारों ऐसा है एच आई एफ आई एफ एच, वन नंबर में, टू में ऐसा है एच एच एफ आई आई एफ, थ्री में एच एच आई एफ एफ आई, और फोर में एच एच एफ आई एफ आई। ऑप्टिकली एक्टिव कौन है ये पूछा है, ऑप्शंस दिए हुए हैं 1, 2, 2, 3, सी में 3, 4, डी में 1, 4। एम्स में पूछे हुए क्वेश्चन है सबके सब, बेहद इम्पॉर्टेंट। 58 और 59 अब ज़रा ध्यान दें क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट लगाएंगे हम लोग, कैसे ज़रा आंसर करें। इसे जो देख पा रहे हो तुम आइडो अल्केन था, इसे फ्लोरो में बदला गया। अब तुम यहाँ सोचोगे कि फ्लोरो में बदलने के लिए आप पढ़े थे मेटल फ्लोराइड में सिल्वर फ्लोराइड, मर्क्यूरिक फ्लोराइड, एंटीमनी फ्लोराइड, तो वो सब तो यहाँ कुछ दिया हुआ ही नहीं, यहाँ सारे के सारे अल्कली मेटल्स दिए हैं। तो तुम सोचो कि क्या कंसेप्ट लगेगा इसमें, हो क्या रहा है कि यहाँ से आयोडीन हट रहा है, बदले में फ्लोरीन जा करके जुड़ रहा है, ठीक है, इतना सा बात हो रहा है। तो इसका मतलब जब आयोडीन हट रहा है तो आयोडीन का हटना जितना आसान होगा उतना रिएक्शन फेवर्ड होगा, तो आयोडीन का हटना आसान होगा तो वो तो इधर से डिसाइड होता, लेकिन इसमें कुछ दिया ही नहीं, तुम्हें इसके बारे में सोचना है। तो ठीक है, ये भी कंपाउंड यहाँ आ करके तब आसानी से जुड़ेगा जब यह आयोनिक नेचर का हो, इसका एफ का नेगेटिव चार्ज सेपरेट हमें दिखे, कोवेलेंट आ जाएगा तो फिर दिक्कत। तो तुम्हें ये देखना है कि ये चारों में से कौन सा मेटल है जो इसके साथ आयनिक कंपाउंड बनाएगा, मतलब मोस्ट आयनिक बनाएगा। तो इसके लिए केमिकल बॉन्डिंग में एक कंसेप्ट पढ़ा था हमने फाजां रूल,
उसमें पढ़े थे कि जो कंपाउंड का कोवेलेंट कैरेक्टर होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज ऑफ कैटायन का, है ना, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ कैटायन का। यदि कैटायन का साइज ज़्यादा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर कम, तो फिर उल्टा कर दो, यदि साइज कम है तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ हमें आयनिक ज़्यादा देखना था, तो आयनिक ज़्यादा कब होगा जब कोवेलेंट कम, तो आयनिक को हम ऐसे लिख सकते हैं कि आयनिक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। तो सबसे बड़ा कैटायन इसमें कौन होगा, सोडियम पोटासियम लिथियम रुबिडियम में, तो ये सारे ग्रुप होने वाले हैं। सबसे नीचे इनमें कौन है, रुबिडियम है, तो ये मोस्ट आयनिक नेचर का कंपाउंड बनाएगा। सो इसका करेक्ट आंसर होगा रुबिडियम, कि रुबिडियम यदि यहाँ आएगा तो ये कंपाउंड आयनिक होगा, और आयनिक होगा तो यहाँ से एफ माइनस काफ़ी आसानी से जा करके अटैक कर पाएगा, कोवेलेंट रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा उसको, ठीक है। बगल वाले को ज़रा देखो, ऑप्टिकली एक्टिव पूछा है, देखो डायरेक्ट यहाँ से तुम देख सकते हो इस कंपाउंड में यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री आने से तो मेजो कंपाउंड हो जाता है, और मेजो कंपाउंड हम जानते हैं कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। मेजो कंपाउंड कहीं और है क्या, यहाँ भी है, एक ही तो है, ये दोनों सेमी कंपाउंड है, यहाँ भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो वन नहीं होगा, फोर नहीं होगा, तो बचा टू और थ्री, तो डायरेक्ट भी टिक कर दो या देखो इसको बना करके। कैसे बना करके देखोगे भाई, तो RS लिख करके देख सकते हो, यदि हम नंबरिंग कर दें यहाँ कार्बन नंबर वन और इसको टू, अब इसमें प्रायोरिटी देखो, तो इस तरफ आयोडीन है नंबर वन, इधर फ्लोरीन है और नीचे कार्बन है, इस कार्बन को काइरल को देखोगे तो इस तरफ आयोडीन, इस तरफ फ्लोरीन, नीचे कार्बन, तो ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, तो वन से टू, टू से थ्री, आर होगा, और सही है क्योंकि फोर नंबर वाला वर्टिकल में है। वैसे इसके लिए देखोगे तो ये वन हो जाएगा, ये टू हो जाएगा, ये थ्री और ये फोर, तो वन से टू, टू से थ्री, इसमें भी आर आ रहा है, तो दोनों का आर आर आ जा रहा है, इसमें क्या आएगा वन टू थ्री और ऊपर वाला फोर, तो इसमें एस, और यहाँ से भी वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर, तो इसमें भी एस, आर आर एस एस, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के इनैंशियोमर्स हो जाएंगे फिर, टू और थ्री, तो टू और थ्री ऑप्टिकली एक्टिव हुए इनैंशियोमर्स, करेक्ट आंसर इज बी। समझ में आई बात, पहले तो हम क्या किए, देख लिए इस तरह का यदि रिप्रेजेंटेशन रहेगा फिशर वाला ना, सबसे पहले तुम जाओगे वहाँ सिमेट्री पे, प्लेन ऑफ सिमेट्री इन दोनों में था, मेसो कंपाउंड हो गए, ऑप्टिकली एक्टिव हो ही नहीं सकते किसी भी हाल में, ये दोनों बचे। अब ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव कैसे हुए, तो डायरेक्ट ही करो, तो पूछा नहीं कैसे हुए, बस हम समझाने के लिए तुम्हें बता दिए कि ऐसे तुम पता कर सकते हो कि ऑप्टिकली एक्टिव इस तरह से भी कंपाउंड हो सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम यहीं तक रखें क्वेश्चन नंबर 59, बाकी के क्वेश्चन आगे के लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।